everyone, welcome to Shruti Academy. Today we will learn how to construct grouped frequency distribution table. मतलब कि अगर हमें अगर डेटा गिवन हो तो हम उस डेटा को कैसे जो है रिप्रेजेंट करें किस फॉर्म में, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में. ओके, एंड सेकेंडली जब हमने प्रेजेंट कर दिया डेटा, उसके बाद हम उसे जो है ऑब्जर्व कैसे करें. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोस. ठीक है, हमें जो क्या गिवन है, हाइट गिवन है कितने स्टूडेंट्स की, 50 स्टूडेंट्स की. मतलब कि हमें जो है ये डेटा जो है गिवन है 50 स्टूडेंट्स का. मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स मतलब कि जो हाइट है वो जो है नियरेस्ट, मतलब कि अगर पॉइंट में भी आएगी तो उसके नियरेस्ट सेंटीमीटर कौन सा है, तो हाइट जो है सेंटीमीटर्स में जो है मेजर जो है की हुई है. फर्स्ट पार्ट इज रिप्रेजेंट दिस डेटा गिवन अबव बाय ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160, 65, 165 and 170 एक्सेट्रा. हमें क्या करना है, इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है किसके फॉर्म में, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में, जहाँ पे क्लास इंटरवल्स 160, 165 तक 170 तक जो है होने चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 160 है और 165 है, अब आप देखो जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है 160, अपर लिमिट क्या है 165. जब हम अपर लिमिट को जो है माइनस अपर लिमिट में से अगर जब हम लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा. तो क्लास साइज क्या हो गया, 5. ऐसे ही 170 माइनस 165 करेंगे तो क्लास साइज क्या हो गया, 5 हो गया. तो मतलब कि हमें क्लास साइज क्या लेना है, 5 का लेना है. अब हम जो है क्लास इंटरवल्स कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें, अब हमें ये देखना पड़ेगा. ये तो हमें एग्जाम्पल दिया है कि हम ऐसे लें 160 to 165, 165 to 170, बट हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें, उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम हाइट जो है फाइंड आउट करेंगे इस डेटा में से, और मैक्सिमम जो हाइट है 50 स्टूडेंट्स में से वो जो है फाइंड आउट करेंगे. अब जो मिनिमम हाइट हमें गिवन है वो है 150, और जो मैक्सिमम जो हाइट है वो हमें क्या गिवन है, 173. ठीक है, तो हम 150 से स्टार्ट करेंगे, 173 मतलब कि यहाँ पे जो है आप देखो 165 से डिवाइड हो रहे हैं ना, सो 173 के बाद क्या आएगा, 175 आएगा जो 5 से डिवाइड होगा. तो मतलब कि हम 150 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 175 तक. ओके, अब हम जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है ड्रॉ करेंगे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करने के लिए हम जो है 3 कॉलम्स हमने जो है बनाए हैं. फर्स्ट होगा हमारा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट, ठीक है, इन सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टैली मार्क्स, और नेक्स्ट हमारा क्या होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी. हाइट ऑफ स्टूडेंट सेंटीमीटर में हम जो है क्लास इंटरवल्स लिखेंगे. क्लास इंटरवल स्टार्ट कहां से करना है हमें, 150 से, और एंड कहां पे होना चाहिए, 175 पे. सो 150 to 155, क्योंकि क्लास साइज क्या है, 5 का है. उसके बाद 155 to 165 का गैप होना चाहिए. देन 160 to 165, देन 165 to 170, देन 170 to 175. अब नेक्स्ट आता है हमारे प्लस टैली मार्क्स. टैली मार्क्स में हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइंस जो है ड्रॉ करते हैं 4 काउंट्स के लिए, मतलब कि 1
टू थ्री फोर एंड फिफ्थ काउंट के लिए हम जो है डायगनल लाइन जो है ड्रॉ करते हैं, मतलब कि 150 to 155 ये इनके बीच की जो हाइट्स है स्टूडेंट्स की, या फिर जिसमें 150 इंक्लूड हो वो कितनी टाइम आ रही है, 5 times. तो इस तरीके से हम टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है. और फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, कि नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा वैल्यू अकर्स. जब हम टेली मार्क्स बना के काउंट करेंगे तो जो टोटल आएगा वो क्या होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है. एंड वन मोर थिंग कि अगर हमें अगर 150 to 155 ठीक है और 155 to 160 ये क्लास इंटरवल्स गिवन है. अब हमें अगर 155 डेटा में गिवन है तो हम किस में इंक्लूड करें, 150 to 155 या 155 to 160. तो ये हम इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वाले में, 155 to 160. मतलब कि हम जो है लोअर लिमिट्स इंक्लूड करेंगे, अपर लिमिट्स जो है इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम नेक्स्ट में इंक्लूड करेंगे. ओके, अब आप देखो जैसे फर्स्ट है 161, सो 161 जो किसके बीच में आएगा, 160 to 165 के बीच में. देन नेक्स्ट हमारे पास 150 का आएगा यहाँ पे. देन नेक्स्ट 154 to 155 के बीच में. देन 165 आएगा 165 to 170. देन 168 भी यहीं पे आएगा. देन 161 यहाँ पे आएगा. वर्टिकल लाइंस हम जो है ड्रॉ करते जा रहे हैं. देन 154 हमारा कहाँ आएगा, 150 to 155. देन 162 कहाँ पे आएगा, 160 to 165. देन 150 एंड 151 ये दोनों किस में आएंगे, 104 हो गया और एक और क्या हो गया, डायगनल लाइन. एक और काउंट के लिए हम जो है डायगनल लाइन जो है ड्रॉ करेंगे. देन नेक्स्ट है हमारे पास 160 to 164, ये आएंगे 160 to 165 के बीच में डायगनल लाइन. देन 171 ये आएगा यहाँ पे. देन 165 यहाँ पे. देन 158 या 155 to 160 के बीच में. देन 154 to 155 के बीच में. देन 156 to 165 के बीच में. देन 172 आएगा यहाँ पे. देन 160 आएगा यहाँ पे. 170 आएगा यहाँ पे. देन 153 आएगा यहाँ पे. देन 159 आएगा यहाँ पे. देन 161 आएगा यहाँ पे. देन 170 आएगा यहाँ पे. देन 162 आएगा यहाँ पे. देन 165 आएगा यहाँ पे. देन 166 आएगा यहाँ पे. देन 168 आएगा यहाँ पे. 165 यहाँ पे. 164 यहाँ पे. देन नेक्स्ट है 154 152 153, ये तीनों आएंगे यहाँ पे, 1 2 and 3. देन 156 158 ये आएंगे यहाँ पे. देन 162 162 आएगा यहाँ पे और 160 भी. देन 161 भी यहाँ पे आएगा. देन 173 ये यहाँ पे आएगा. देन 166 ये यहाँ पे आएगा. देन 161 ये यहाँ पे आएगा. देन 159 ये यहाँ पे आएगा. देन 162 ये जो है यहाँ पे आएगा. देन 167 68 ये जो है यहाँ पे आएंगे. ओके, देन नेक्स्ट है 159 ये आएंगे यहाँ पे. देन 158 भी यहाँ पे आएगा. 153 यहाँ पे. देन 154 भी यहाँ पे. एंड 159 भी यहाँ पे. अब जो हमने टेली मार्क्स बनाए इनको काउंट करके हम कहाँ पे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी में. देखो 5 + 5 का बंडल है. 5 + 5 = 10. 10 + 2 क्या हो गया, 12. देन 5 + 4 कितना हो गया, 9. देन 5 5 10. 10 + 4 कितना हो गया, 14. देन 5 + 5 10. देन 5, ठीक है. अब हम लास्ट में क्या कर देंगे, टोटल करेंगे. अब आप देखो 12 + 9 हो गए 21. 21 + 14 हो गया 35. टोटल यहाँ पे आ गया 35 और ये हो गया 15. तो 35 + 15 कितना हो गया, 50. हमें हाइट गिवन थी 50 स्टूडेंट्स की, तो मतलब कि हमने 50 स्टूडेंट्स का जो है डेटा जो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डाल दिया.
Now the next part is, what can you conclude about the heights from the table? मतलब कि हमने टेबल बना ली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब इन इस टेबल को देख के हम क्या कंक्लूजन जो है इनके हाइट्स का जो है निकालते हैं. ठीक है, अब आप देखो टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स थे. ठीक है, 50 स्टूडेंट्स का हाफ कितना हो गया, 25. अब 25 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, मतलब कि 35 स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी हाइट जो है क्या है, 165 सेंटीमीटर तक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन कंक्लूड दैट, हम क्या लिखेंगे, वी कैन कंक्लूड दैट मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर. ठीक है, दैट इज 35 स्टूडेंट्स. मतलब कि 35 स्टूडेंट्स 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या है, शॉर्टर है, किससे, 165 सेंटीमीटर से. तो इस तरीके से हम जो है ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है ड्रॉ करेंगे और उस टेबल को जो है ऑब्जर्व करके जो है कंक्लूजन जो है ड्रॉ करेंगे. ओके, आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.